सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। आज का पंचांग 24 जनवरी 2022 दिन सोमवार, मांघ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि, सुबह 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्ता नामक नक्षत्र सुबह 11:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:34 से 9:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:17 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 11:08 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मेष राशि 24 जनवरी 2022 दिन सोमवार, आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़े कई जिम्मेदारियां निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुड़े हुए हैं। आपका सफर मुश्किल हो सकता है लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद लेंगे। व्यावसायिक परिवर्तन संबंधित योजना बन रही है तो उस पर काम करने का उचित समय है। आपका संतुलित और सकारात्मक व्यवहार आपको किसी भी शुभ अशुभ स्थिति में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, बदलाव के बारे में सोच विचार करें। मित्रों के साथ के संबंध में सुधार करते हैं तो बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपने काम पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस वजह से नए और बड़े काम की शुरुआत कर पाएंगी। फिलहाल अपने जीवन पर ध्यान बनाए रखें, आन पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सावधानियां, किसी भी तरह का लेन देन करते समय भावनाओं और संबंधों को आड़े न आने दें, वरना भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकती हैं। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। किसी की गलत बात पर गुस्से की बजाय सूझबूझ से काम ले, अन्यथा स्थितियां बिगड़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है। घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखना आपका दायित्व है। आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की जरूरत है कि आप उन्हें यह इस रिश्ते को गंभीरता से महत्व देते हैं। यह काफी समय से यह सही समय है कि आप इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो। आज आपकी रोमांटिक लाइफ एक अंतरंग डिनर किसी रोमांटिक भाव गंभीर में या फ्लर्टिंग से नए मुलाकात पर पहुंच सकती है। बात करते हैं करियर की। चीजें आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही जैसे कि आपने योजना बनाई थी, लेकिन आपको इस कारण से आक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके सारे प्रयास बर्बाद हो गए हैं। कार्य में प्रगति के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी लेकिन ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। आपसे कम प्रभावशाली व्यक्ति आपके समक्ष आ सकता है, इसके पास काफी ताकत होगी लेकिन समय की मांग है कि इस स्थिति के साथ विवाद में न उलझें, जो कि आपके स्वयं के सर्वोत्तम हित में होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिलेगा और व्यवसाय संबंधित
कोई समस्या हल होगी, लेकिन निवेश के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता की वजह से आज भी समय देना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपके नयन नक्शे आकर्षक हैं और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज कराएं जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकती हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकती हैं। स्वास्थ्य कर मजे लेने में भी ना हिचकिचाएं, आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हक है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।